हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है, हमारी गाड़ी हमेशा सैनिटाइज रहती है, हम भी सैनिटाइज हैं और बहुत ही खुले इलाके में है, बिना भीड़ भाड़ है। तो आपकी परमिशन से मैं ये हटाना चाहूँगा ताकि आपको मेरी वॉइस अच्छे से सुन सके। आज आपकी डिमांड पे लेके आ गए हैं जी नेक्सोन XMA वेरिएंट है ये, और बहुत मेरे दोस्त पूछ रहे थे इसके बारे में बहुत ज़्यादा कि ये नेक्सोन का वीडियो लेके आओ। आज पेश है जी, पूरी डिटेल बताएंगे, हमारे साथ गाड़ी के ओनर भी हैं, तो आइए सर प्लीज़। तो जैसे कि हमारा सबसे पहला सवाल यही रहता है कि आपने यही गाड़ी क्यों चूज़ की? सबसे पहले बताऊंगा, ये गाड़ी है इंडियन मेड, और टाटा ने अभी कोरोना के लिए बहुत अच्छा डोनेशन दिया, तो मैं फ़ैन हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। उसके बाद मैं एक बार टाटा को ट्राई करता हूँ, मैं रिव्यू देखता हूँ कि गाड़ी कैसी बना रहा है। तो जब मैंने रिव्यू देखे यूट्यूब पे और चेक किया, सारे फीचर्स चेक किए, उसके बाद मुझे पता चला कि टाटा सस्ते में मुझे अच्छी गाड़ी दे सकता है। फिर मैंने यूट्यूब पे और ज़्यादा ट्राई किया कि यार ब्रेजा, इको स्पोर्ट और नेक्सोन और वेन्यू, इनको मैं कंपेयर करके देखता हूँ तो क्या होता है। मतलब आपने पूरी R&D करके फिर गाड़ी ली है? हाँ बिल्कुल, ऑनलाइन का ऐसा ज़माना है कि आपको सब कुछ डिटेल मिल जाती है। पूरा टाइम मैंने लगाया है, जो मुझे चाहिए था वो इसी में है। मैंने रिव्यू देखा, उसके बाद तुरंत मुझे लगा कि मैं नेक्सोन लूँगा। पहले मेरा मूड था इको स्पोर्ट, मुझे देखते ही पसंद आ गई थी, लेकिन जब फीचर्स देखे, उसके बाद जब प्राइस देखने के बाद जब देखा कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही दे रहा है, इको स्पोर्ट से तो बहुत ज़्यादा दे रहा है, तो फिर फाइनली यही है। तो दोस्तों देखो, आप समझ ही गए होंगे कि सर ने कितना डिटेल लिया है गाड़ी का, तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक, आपको बहुत सारा पूरी डिटेल बताएंगे, एक एक चीज़ कितने में ली है इन्होंने और चलने में कैसी है, रिव्यू भी देंगे आपको, इंजन स्पेसिफिकेशन बताएंगे, इंटीरियर भी पूरा डिस्क्राइब करेंगे। सर इंजन स्पेसिफिकेशन बता दीजिए अपने दोस्तों को। इंजन है हमारा 1200 cc का, लेकिन 1500-1600 cc के बराबर पावर देता है, क्योंकि ये है ट्रपोचार्ड, नई टेक्नोलॉजी है। तो एक और मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट हो गया कि यार नई टेक्नोलॉजी क्यों ना मैं अडोप्ट करूँ। उसके बाद जब इसका टॉर्क देखा, उसकी पावर देखी, तो इसका 118 bhp की पावर है और 4000 rpm पे ये देती है 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क। सेगमेंट में आई थिंक सबसे ज़्यादा होगा इस सेगमेंट में, इस रेंज में आप इस रेंज में जाओगे तो बहुत ज़्यादा है। आप इसके लिए मतलब 3 lakh और लगाओगे तब आपको इतना टॉर्क मिले। माइलेज की बात करें तो आपने वैसे कितने किलोमीटर चलाई है? वैसे नहीं दिख रही है गाड़ी तो बिल्कुल एकदम। अभी गाड़ी नहीं है, कोरोना का टाइम है, सब कुछ बंद है, तो फिर मैंने ज़्यादा चलाई नहीं। उसके बाद भी अभी गाड़ी का जो माइलेज देखा है तो 13-13.5 किलोमीटर पर लीटर का दिया है। ये सिटी का माइलेज आपने सिटी में? ये सिटी का माइलेज है। हाईवे पे जाएंगे तो 17 तक उम्मीद कर सकते हैं? हाईवे पे जाएंगे क्योंकि ऑटोमेटिक वर्जन है, तो 15-16 तक तो जा ही सकते हैं। तो सर फीचर्स की बात करें इसमें, तो फीचर्स भी बताइए अपने फ्रेंड्स को। फीचर्स का जैसे मैंने बता दिया, इंजन तो पावरफुल है ही है। उसके बाद इसकी सेफ्टी 5-star रेटिंग, एनकैप 5-star रेटिंग है। एक चीज ऐसी नहीं बचती कि यार ये इसमें नहीं है फीचर है, वो तो बेसिक मॉडल से ही मतलब बेसिक मॉडल से ही पूरे मिल जाते हैं। सेफ्टी के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, चाहे हम छोटी सी गाड़ी में चले जाएं, चाहे बड़ी गाड़ी में चले जाएं, या ज्यादा फीचर ले लें, तो सेफ्टी का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। टाटा ने एकदम फुल सेफ्टी का ध्यान रखा है। और सर कुछ फीचर तो ऐसे है ना, फर्स्ट इन सेगमेंट है, हिल होल्ड असिस्ट है, हाँ जी ये है, और ABS CVT तो आता ही आजकल, दो एयरबैग है शायद इसमें, दो एयरबैग अभी सभी में है, लेकिन हिल होल्ड का जो आप बता रहे हो ये एडवांस फीचर है इसमें। और जो मोड है इसमें ड्राइविंग मोड, वो शायद मोड है इसमें, मतलब जब से नेक्सोन निकाल लिया तब से मोड निकाले हैं, और अभी अल्ट्रोज में भी शायद दे रहा है। इसमें अल्ट्रोज में शायद दो मोड है, इसमें 3 मोड है। अपने आई बटन में आपको अल्ट्रोज की वीडियो भी नजर आ जाएगी, आप जाके देख सकते हो, उसमें 2 मोड है और इसमें ड्राइविंग के 3 मोड दिए हैं, और जो बिल्कुल अगर आप यूज करोगे तो फील भी करोगे, ऐसा नहीं है कि डमी है। जैसे स्पोर्ट्स मोड करते हो तो पावर फील होती है, उसमें बूस्ट अप होता है इंजन एकदम से। आएंगे तो 3 मोड है, इकोनॉमिक, सिटी मोड और स्पोर्ट्स। इकोनॉमी में चले जाओ आप, बिल्कुल आराम से गाड़ी चलाओ, माइलेज आपको फुल मिलेगी,
और थोड़ा उसमें पिकअप कम होगा। लेकिन जैसे आपको बहुत तेज जाना है, मतलब आप हाईवे पे चल रहे हो, तो आप स्पोर्ट्स में चले लगाओ इसको, और फिर देखो पिकअप एकदम ऐसे भागती है, जगुआर जैसा फील आता है थोड़ा थोड़ा। आजकल क्योंकि मालिक एक ही है जगुआर का, मालिक एक ही है। मैंने जब इसको सिटी में चलाया तो मेरे सामने से इनोवा गई, मेरे सामने से मर्सिडीज जा रही है, मुझे फील नहीं हुआ कि उनसे कम नहीं लगता मुझे कि यार मैं छोटी गाड़ी में बैठा हूँ, या इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आता मेरे अंदर। मैं एकदम खुल के चलाता हूँ और थोड़ा रोड पे कब्जा करके हो जाता है। ठीक है सर, ठीक है सर। स्टीयरिंग फीडबैक और ड्राइविलिटी थोड़ा सा बताइए। स्टीयरिंग का तो मैं पहली बार गाड़ी चला रहा हूँ तो। अच्छा, आपकी पहली गाड़ी है ये? मेरी पहली गाड़ी है। सीधी ऑटोमेटिक ही लिया? सीधी मैंने ऑटोमेटिक उठाई है, और मैंने अच्छा किया मैंने ऑटोमेटिक उठाई। अभी तक कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने नेक्सॉन उठाई या फिर ऑटोमेटिक उठाई। जब मैं चला रहा हूँ, मैं सीट पे बैठता हूँ, पूरा मुझे यहाँ तक का बोनेट दिखाई देता है। ठीक है, बोनेट दिखाई देता है। पहली बार गाड़ी चला रहा हूँ तो अभी तक कोई स्क्रैच नहीं है, एकदम फ्री होके चलाता हूँ, और मुझे पूरा फील होता है कि यार अब मेरी गाड़ी निकल जाएगी कहीं से मुझे निकालना है। तो ड्राइव की बात करूं तो जब मैं सीट पे बैठता हूं बस ऐसे लगता है कि मैं ऑफिस में बैठा हूं। चलाता हूं गाड़ी आराम से, पैडल दबाता हूं क्योंकि ऑटोमेटिक है तो मेरा एक ही पैडल का काम है, तो फिर मैं आराम से एक्सेलेरेटर दबाता हूं। जब दूर कहीं रोकनी है आराम से पैर उठाता हूं, ब्रेक पे रख देता हूं, एक पैर का काम है। तो सर स्टीयरिंग के बारे में और बताइए थोड़ा सा। आप लंबे कितना गए वैसे इसमें अभी तक? इसमें मैं 100 किलोमीटर तक लंबा गया। वो सर टाटा ने बड़ा अच्छा काम किया स्टीयरिंग पे, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है, सीटी के लिए तो बहुत ही लाइट कर दिया है। और जैसे आप हाईवे पे चढ़ेंगे और थोड़ा सा स्पीड से जाएंगे तो क्योंकि गाड़ी ऊंची है तो बॉडी रोल हो सकता है अगर लाइट स्टीयरिंग होगा तो, इसलिए हाई स्पीड पे स्टीयरिंग ऑटोमेटिक हार्ड हो जाता है ताकि गाड़ी की स्टेबिलिटी बढ़ जाए। आगे मेरे लिए अच्छी गाड़ी, बहुत ही अच्छी थी आप। लेकिन अपने फ्रेंड्स को क्या बोलोगे, रिकमेंड करोगे गाड़ी? मैं तो जी बोलूंगा सबसे पहले टाटा को ट्राई करो, आप एक बार रिव्यू देखो, आप एक बार चेक करो कि क्या दे रहा है, और उसके बाद आपका बजट देखो, बजट के हिसाब से बहुत अच्छी गाड़ियां निकाल रहा है। कम है अल्ट्रोज में जाओ, ज़्यादा है तो नेक्सॉन में जाओ, और ज़्यादा हैरियर है लेकिन मुझे हैरियर से ज़्यादा नेक्सॉन ही पसंद आ रही है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख ही रहे हो, ओनर को इसलिए बुलाते हैं ताकि आपको रियल जो चीज़ें हैं वो आपके सामने पेश की जा सके, और बिना किसी प्रेशर के। शोरूम में जाके प्रेशर हो जाता है कि गाड़ी को अच्छा ही बताना है, लेकिन यहाँ पर आपको हम जो रियलिटी है वो बताते हैं। गाड़ी अच्छी है तो अच्छी बताई जाएगी। मेरे तो दोस्तों का सवाल भी थे और कुछ कमेंट्स थे कि भाई आपने वेन्यू का इंटीरियर नहीं दिखाया, तो मैं आपका इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ। देखिए आप अंदर आइए, ये इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग फ्लैट बॉटम के साथ स्पोर्टी लुक के साथ देख सकते हो, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, MID डिस्प्ले और हरमन का म्यूजिक सिस्टम है, और ये आप मोड देख सकते हो, ड्राइव मोड्स और AC के नोब्स हैं, और प्लास्टिक क्वालिटी भी बहुत अच्छी यूज़ की है टाटा ने। वैसे हार्ड प्लास्टिक है लेकिन दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और जो ये देख सकते हो आप सीट्स फुल्ली फैब्रिक हैं, ट्राई एरो इसमें डिजाइन है, और बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं, बकेट फुल बकेट्स दे दिया है इसमें, और जब आप बैठते हो तो सोफा फील होगा आपको। चलो पीछे चलते हैं, मनोज थोड़ा पीछे दिखाना। थाई स्पॉट अच्छा दिया है, ये देख सकते हो आप, मेरी हाइट 178 है, तो ये देख सकते हो आप थाई स्पॉट, और जगह भी देख सकते हो बहुत अच्छी है, और तीन बंदे आराम से बैठेंगे इस गाड़ी में फुल्ली। डोर्स में देख सकते हो आप, हर एक डोर में बोतल होल्डर दिया है, और फ्रंट में तो इवन अम्ब्रेला होल्डर भी दिया है। मैं दिखा देता हूँ मनोज, थोड़ा अगले डोर का दिखाना, उसमें अम्ब्रेला होल्डर भी दिया है। जो ये पोर्शन है ये अम्ब्रेला होल्डर के लिए है, और ये वाटर बोतल हर एक चारों डोर में दिया है, ये तो काफ़ी स्पेसियस है, और अंदर भी काफ़ी स्पेस दिया है चीज़ें रखने के लिए भी। ये फ्रेंड्स आप रियर सीट से फ्रंट व्यू देख सकते हो डैशबोर्ड का, लुकिंग में तो कोई कमी नहीं छोड़ी है टाटा ने, शानदार लुक दिया जी। फ्रेंड्स कुछ हाईटेक फीचर्स भी दिए हैं गाड़ी में, जैसे मैं बताता हूँ, इसमें जो BS4 मॉडल था उसमें DRL नहीं आते थे, DRL नहीं थे उसमें, बुल हॉर्न लाइट थी, इसमें देखो इसी से ऑन हो जाते हैं अपने, ये देख सकते हो आप, और बेस मॉडल से ही इसमें प्रोजेक्टर लैंप दे दिए हैं, और ये बड़े अच्छे दिखते हैं, शायद कैमरा जस्टिस ना कर पाए लेकिन ये
देखिए मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, अच्छा लुक देते हैं गाड़ी को। लुक के मामले में तो किलर लुक है गाड़ी का, इसमें कोई दो राय नहीं। तो दोस्तों आपने देखा पूरी गाड़ी, मेरे हिसाब से तो टाटा ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। और अगर किसी को वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट देखना है तो XM में जा सकते हैं, XM पेट्रोल में। और किसी को ऑटोमेटिक लेना है तो ऑटोमेटिक भी XM से शुरू हो जाता है, तो उसमें जा सकते हो। इसका प्राइस है 7,70,000, ये एक्सोरूम प्राइस मैं बता रहा हूँ आपको। और जो ऑटोमेटिक है XM A, उसका 8,30,000 है। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी इसके म्यूजिक आउटपुट भी सुनाएंगे आपको। ऐसी वीडियो देखने के लिए अपने चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। किसी भाई का कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकता है। थैंक यू। दोस्तों ऑडियो आउटपुट सुनिए आप लोग, और साथ में इंटीरियर भी देखते रहिए, मैं कुछ कुछ दिखाता रहूँगा आपको। तो स्टार्ट।